آمين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم इमला इकत हो यो सल्लो न आलनबी या मनो सलोल वसलमो तस्लिमा सलासलम आलि क्या सैदी या रसूल व आला अली का वह क्या सैदी या, या हबीबल्ल्ल सलात या सय्यदी या नबी वलिका वहबिकया सयद रहतमीन मऊला सली वसलम दा इमन अबदा अला हबीबी खैरखल़ी कुलिहिमी वल हबीबल तुर्जा शफफ़ा तुरजा हो लिकुल हउलि मिनलअाली मुकतमी या रबी बिल मुस्तफ़ा बल्ल मक़ाशदना वगफिर लाना मामा या वसी अल करामी अल्लाह रबालमीन जल्वादलकरीम की हमदुसनाजू नबी करीम रौफ़ुलरहीम ताजदार अम्बिया ख़ातमसलिन अहमद मुशतबा हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला तला अल वब ही वबारक वमह की बारग अकदस में दरुद्लम का अदिया पेश करने के बाद मुआज़ज़ व महतशम सामिन व हाजरीन बरदरान इस्लाम आज की ये हमारी दरसान हदीस की जो माहाना सतह पे महफल होती है आज दरस क़ुरान हदीस की इस नशिश के अंदर हम हाज़री की सहादत हासिल कर रहे हैं इन शद ख़म नबूवत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वम्म का ख़ाबीन होना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वाली वसलम की दस को अल्ला रबुज़त ने जो ख़त्म नबूवत का ताज पहनाया है इस अकीदा के हवाले से सुन्नत की रोशनी में आप अहबाब के सामने आज की इस दरस क़ुरान हदीस की रिश्स के अंदर इनशा ताला आप के सामने अकीदा ख़त्म नबूत के हवाले से बयान करने की शादत हासिल करूँगा दोस्तान ग्रामी क़दर अक़द ख़म नबूत ये मुसलमानों का वो बुनियादी और मरकज़ी अकीदा है जैसे किसी कलीम पढ़ने वाले के लिए अल्लाह रबुल्ज़त जल्ला शाहू को वह दू ला शरीक मानना ज़रूरी है इसी तरह कलीमा पढ़ने वाले के लिए मोहम्मद रसूल सल्ला वसल्लम को आखिरी नबी मानना ज़रूरी है कोई शख्स अगर ये कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ लेकिन वह दहू ला शरीक नहीं मानता वो करोड़ों मरतबा मानने का दावा करे वो खुदा को मानने वाला नहीं हो सकता Allah को शरीक मानना जरूरी यह है दीन का अकीदा इस्लाम का बुनियादी अकीदा। कोई शख्स क़लिमा पढ़े उसे मोहम्मद व सल्ला वसल्लम को आखिरी नबी मानना जरूरी अगर वो कहे कि मैं रसूलुल्लाह को रसूल तो मानता हूँ लेकिन आखिरी नहीं मानता तो उसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता अकीदा खत्म नबूवत ज़रूरियात दीन का अकीदा, इस्लाम का बुनियादी और मरकज़ी अकीदा, और इस अक़ीदे का मुनकिर या इस अकीदे के अंदर किसी किस्म की छेड़खानी करने वाला या कोई चोर दरवाज़ा निकाल के कोई इसमें रस्ता निकालने वाला और अकीदा ख़त्म नबूवत का किसी भी अंदाज़ से इनकार करने वाला वो इस्लाम की रोशनी में उसका ईमान और दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं अगर वो इस्लाम का दावा करके अकीदा खत्म नबूत का इनकार करता है वो काफिर मरतदारा इस्लाम से खारिज है उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल सल्लासम की ज़ा अकदस को ताज खत्म नबूत अता फरमाया हुज़ूर की ज़ा अकदस परबुलज़त ने नबूत और रिसालत का दरवाज़ा बंद फरमा दिया हुजूर की दस पर दीन मुकम्मल हो गया आलम बशरीत में सैदना आदम असलातलम से नबूत का आगाज़ हुआ और नबूत का सिलसिला चलते 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 आखिरी पैगम्बर जनाब महम्मदरसूल्ला वसलम की कदस तक पहुँचा ने हुजूर की जकदस पर पहुंचा के नबूवत का सिलसिला बंद फरमा दिया अब हुजूर की जस के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता हुजूर दुनिया में आखिरी नबी बन के तशरीफ ले आए ना नबी पाक सल्लासम की जकदस के जाहरी हयात तकबा में कोई नबी पैदा हो सकता है ना हुजूर के विशाल अकदस के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है नबी पाक आखिरी नबी हैं और ये बात किसी मुसलमान ममिन से मख्फी और पोशीदा नहीं कि का माना है आखिरी नबी माना क्या है आखिरी कुरान मजीद में अल्लाह इज़्ज़त ने नबी सल्लम के आखिरी नबी होने का बयान मुख्तलिफ उसलूबों से फरमाया मुख्तलिफ उसूबों से हजूर के आखिरी नबी होने को बयान किया बड़ी तवज्जो के साथ समझना है चीज़ आपने कि हर चीज अल्लाह ने अपने हबीब को अरफा आला बरतो बता फरमाई हर चीज आला क्यों जो अल्लाह ने चीजें अता की हर चीज अपने कमाल पर अपने उरूज पर क्योंकि अब ना तो कोई नई शरीय आनी है ना कोई किताब आनी है ना नई तालीमत आएंगी ना कोई हुक्म नया आएगा हुजूर की दस पर अल्लाह ने सारी चीज़ें मुकम्मल करके कुरान मजीद के मुख्तलिफ उसूबों से नबी पाक आ सलातम की खतम नबूत को बयान किया ये भी हुजूर की खत नबूत की दलील है कि नबी पाक आ को अल्लाह ने हर चीज़ी सब से अरफा अला बरतरो बाला अता फ़रमाई नबूत अता की तो नबूत आमा यानी तमाम ज़मानों तमाम इलाकों तमाम कौमों तमाम नस्लों के लिए नबूत आमा अम्बिया अलह मसलवा तो तस्लीमत दुनिया में तशरीफ लाए कोई नबी किसी इलाके के लिए कोई नबी किसी ख़ास कौम के लिए कोई नबी किसी ख़ास किस्म के इलाके के लिए नबी बन के तशरीफ लाए कुरान मजीद ने उन अम्बिया और रसुलज़ाम अलहमसलब तस्लीमात की नबूतों और रिसालतों का जिक्र किया और साथ बताया व अरसल्ला इला नू व अरसानू हन इला कौम ही और हमने नूल नूसलम को उनकी कौम की तरफ मबूस फरमाया सयदना साल को उनकी कौम की तरफ मबूष फरमाया हजत हूद्लम को उनकी कौम की तरफ मबूष फरमाया रसूल इला बनी इसराइल जनाब ईसा बनी इसराइल की तरफ रसूल बन के आए और हमारे आका करीम आल सलाम की जब नबूत आमा का जिक्र हुआ फरमाया खुल यानी रसूल कुम जमी ए हबीब कह दो मैं तुम सब के लिए अल्लाह का रसूल बन के तशरीफ लाया वमा मरस वमा अरसल्ला का, का फतनासी बशीर व नजीरा हबी पैरे हमने आपको तमाम लोगों के लिए बशीर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बना के भेजा वमा अरसल्ला का इल्ला रहमत आलमीन हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हैंसिल तोल की काफा अल्लाह ने मुझे तमाम लोगों के लिए रसूल बना के बबूज फरमायासिल तो खल की काफा तमाम मखलूक के लिए अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेजा मैं रसूल बना के भेजा गया हूं यह हुजूर की नबूत आमा इस बात की दलील है कि हजूर किसी खास इलाके के लिए नहीं किसी खास बस्ती के लिए नहीं किसी ख़ास मुल्क के लिए करिया गांव और किसी कौम या नस्ल के लिए नहीं मेरे करीमा कलम इंसानों को भी रसूल बन के आए जिन्नात के भी रसूल बन के आए कालों के भी रसूल बन के आए गोरों के भी रसूल बन किया है। के आए शर्क बालों के लिए रसूल बन के आए गर्भ वालों के लिए रसूल बन के आए शुमाल बालों के लिए रसूल बन के आए जनूब वालों के लिए रसूल बन के आए अल्लाह के हबीब दुनिया में कायनात में तमाम मखलूक के लिए भेजे गए और नबी की खत में आखिरी नबी होने की दलील है, है आखिरी नबी के बयान का फिर सूरत नमायदा की आयत नंबर तीन निकाले सयदन आदमत से यह सिलसिला नबूत का आलम बशरीत में चला और यह बात याद रखें कि दीन सब नबियों का एक है और उस दीन का नाम है इसलाम। दीन इस्लाम दीन इस्लाम इस्लाम अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के यहां पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है दीन इस्लाम पसंदीदा दीन आदम आदमसरासलम का दीन भी इस्लाम इब्राहिमसलम का दीन भी इस्लाम मूसा का दीन भी इस्लाम ईसीम इस का दीन भी इस्लाम और दीन के अंदर जो बुनियादी अकायद हैं अक़ीद तोहद अकीद रसालत और अकीद आखिरत तमाम अम्बिया और रसुलज़ाम आलह मसल तस्लिमत दुनिया में आके अपनी उम्मतों के सामने इन बुनियादी तीन अकीदों का की तबलीग फरमाते रहे कि अल्लाह वहद हु शरीक है और अपनी नबूत और रसालत का ऐलान करते और ये अकीदा अपनी उम्मतों के सामने आखिरत का बयान करते के मरने के बाद दूसरी जिंदगी बास बादल मौत ये आखिरत का अकीदा सब नबियों रसूलों ने अपनी उम्मतों के सामने बयान किया ये बुनियादी तीन अकीदे दीन इस्लाम के और ये जो अक, दीन है वो सब नबियों का दीन इस्लाम है सिलसिला दीन का आदम असरात से चला चलते चलते शरीयतें अंबिया आलहत्तम की शरीय रसूलों की बदलती रहीं शरीतों के अंदर अहकाम तब्दील होते रहे जब हजूर की ज़ातीदस पर दीन पहुंचा तो नबी पाक पाकतल की मुबारक तेईस साल एलान नबूत की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज्जतुल वदा के मौका पर सूरतुल माईदा की आयत नंबर तीन नाजिल फरमाई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लामा इस्लाम दीना अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया अकमल तुकुम दीन तु आलई कुम तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी वर दु लकुमल इस्लाम दीना और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन अल्लाह ने पसंद फरमा लिया कुरान मजीद की सूरत मायदा की इस आयत की तफसीर में हाफिज इबन कसीर तफसीर इबन कसीर में इसी आयत से हजूर की खत्म नबूत का बयान करते हुए लिखते हैं हाद ही अकबर कहते हैं यह अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी सबसे बड़ी नियमत है इस उम्मत पर कि अल्लाह ने इस उम्मत के लिए दीन को मुकम्मल फरमा दिया फला यहना दीन गैर ही यह उम्मत इस दीन के अलावा किसी दूसरे दीन की मोहताज नहीं।, नहीं वला इला नबीन गैर नबी येम और अपने नबी के अलावा किसी दूसरे नबी की मोहताज नहीं वलिहा खातमल अम्बिया इसीलिए अल्लाह ने हुजूर को खातमल अंबिया बना दिया व बासहु इंस से जिन और अल्लाह ने हुजूर को तमाम इंसानों और तमाम जिन्नों की तरफ मबूस फरमाया नारे तो इस उम्मत को अब किसी दीन की जरूरत नहीं, नहीं। और किसी और नबी की जरूरत है कयामत तक मखलूक खुदा को हिदायत के लिए जितनी रहनुमाई की जरूरत है अल्लाह ने अपने हबीब खातम्बिया मोहम्मद रसूल सल्लासम की ज़ा अकदस पर वो पूरी फरमा दी सारी अकमल तुकुम दी आज के दिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया निअमती और अपनी नियमत को तुम पर तमाम कर दिया वी तो लकुमल इस्लाम दीना और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया हुजूर की जस पर अल्लाह ने सारी जरूरतें पूरी फरमा दी अधूरे अखलाक पूरे हो गए ना तमाम निजाम तमाम हो गया सीरत दी तो उस हसना कामिल नमूना और ऐसे नबी दिए जिनकी सीरत भी सबसे आला जिनकी सूरत भी सबसे आला सीरत भी आला सूरत भी आला सबसे आला सबसे आला अज़ीमुल अजीम इमाम अहमद रजाखा मुहद से बरेली रहमत अल्लाह अकबर फरमाते हैं सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे ओ और अम्बिया करूं अर्ज क्यों मालिको क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी सबसे का उजाला हमारा नबी हर मक का उजाला हमारा नबी और फजाइल और सीरत की किताबों के अंदर तकरीबन सीरत और फजाइल की किताबों के अंदर मौजूद है नबी मुकर्रम खातम अंबिया मोहम्मद व सल्ला वसल्लम की झातीिय दोस्तों अल्लाह इज़्ज़त ने जब इसरा और मेराज से अल्लाह इज्जत ने हुजूर को शर फरमाया नबी पाक पाकसात को ये नमत अता फरमाई मस्जिद अक्सा तमाम अम्बिया मसरवात तस्लीमात जमा हुए सारे नबी जमा हुए नबी पाक सलातुलाम की ताकदस भी मौजूद अम्बिया मसरवात तस्लिम ने मस्जिद अकसा में खुतबात इर्शाद फरमाए और जो अल्लाह ने शान की थी उसका तुझे खुतबात मुकम्मल हो गए आखिर मेंजूर नबी पाक ने खुतबा पढ़ा इमाम बहकी ने अपनी किताब दलालबा मानिफात साहब की जिल दो में यह खुतबा जिक्र फरमा नबी पाक ने अंबिया के सामने खुतबा दिया और फरमाया या नबियों के गुरो कुल्लु अला रबी तुम सब ने अपने रब की सना बयान की अब मैं अपने रब की हम दो सना बयान करूँगा नासी बशीरा व नजीरा वलिया وانزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل امتي خير امه وجعل امتي امه وسطا هم الاولون وهم الاخرون وشرح صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما جعلني فاتحا وخاتما कि ए के, के ग्रोह उस जात के लिए तमाम खूबियां जिसने मुझे रहमतुलना के भेजा मुझे तमाम मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा मुझे वो किताब दी जिसमें हर शह का बयान है मुझे उम्मत दी तो खैर उम्मत उम्मत वस्ता की जो अव्वल भी है आखिर भी है अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया मेरे बोझ हल्के कर दिए मेरे लिए मेरे जिक्र को बुलंद किया व जानी व खातिमा अल्लाह ने मुझे फाते भी बनाया खातमुल अंबिया भी बना दिया फाते भी और खातिम भी बनाया सबसे आखिर में आने वाला अल्लाह ने मुझे बनाया और हुजूर की शान अकदस सब अंबिया से मुनफरिद है नबी पाकाम की जस फातह भी हैं खातिम भी हैं यानी नबूवत का दरवाजा खोलने वाले भी और नबूवत का दरवाजा बंद करने वाले भी खोला कैसे हदीस की दर्जन से जायद किताबों के अंदर यह सही हदीस है अल अल-मुसन्नफ़ इबिन बिशाबा के अंदर इमाम बुखारी की तारीखुल कबीर के अंदर अलमुसन असन्ना इबन खलाल की दीगर बहुत सारी किताबों के अंदर मुख्तलिफा से यह हदीस है

जब आदम अल्लाम रू और जिस्म के दरमियान मौजूद थे कान या कूनों का मानवी तौर पे अरबी जबान के अंदर इस्तेमाल होता है जहां जहां मुसरंद मुसरत के साथ ज़माने माजी में मुतिफ हो चुका हो मुसरत के साथ मुसरंद माजी गुजरे हुए जमाना में मुतसिफ हो चुका हो उसको ताबीर करने के लिए काना या कनों का जिक्र इस्तेमाल किया जाता है नबी या मैं उस वक्त भी नबी था यानी मेरा तश्स मेरा पैकर उस वक्त वस्फे नबूत से मुत्तसिफ हो चुका था वह आदमो बन रूह जसद जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान मौजूद थे तो, आदम असलात तो अभी रूह और जिस्म के दरम्यान ही थे अल्लाह ने उससे पहले मुझे फाते नबूत अल्लाह ने मुझे भी भी थी। थी। फाते भी बनाया खातिम बनाया फाति भी है खातिमी फातिहा ये नबी पाकम की निफरादियत है की खसूसियत है के दीवान नबूत का दरवाजा खोलना भी मेरे मुस्तफा ने और बंद भी अल्लाह ने हुजूर की दीनाजूर की ज़ात अकदस पर दीन मुकम्मल हो गया यह भी खतम नबूत की दलील है कुरान मजीद की आयात पढ़ते चले जाए इबारतुलनस इशारतुल नलालतुल नुर्न मजीद की सैकड़ों आयात तयब जूर के आखिरी नबी होने की, की दलीर है एक उसलूब कुरान का हजूर के खत्म नबूत को बयान करने का यह है देखिए अंबिया आलि मुसल्वा तो तस्लीमत दुनिया में तशरीफ लाए अम्बिया अल आए, रसूल इजाम आए अल्लाह ने रसूलों पर किताबें सहीफे नाजिल फरमाए किसी रसूल पर किताब शहीफा नाजिल करके अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया हिफाजत का जिम्मा क्यों इसलिए कि अभी किताबें आनी बाकी है किताबें सहीफे नाजिल होने थे और उनका जारी रहना था अभी आ रही थी तो हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया लेकिन जब हुजूर की जस पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया नबी पाकाम जब कुरान नाजिल होता हुजूर अपनी मुबारक जबान से उसको दोहराया करते थे अल्लाह ने महबूब को रोक दिया कि महबूब अपनी मुबारक जबान को हरकत न दिया करें इस का जिम्मा यानी इसको आपकी जबान पर जारी करना और इसकी निगेबानी करना हमारे जिम्मे ये या आपको याद करवाएंगे और फिर अल्लाह इजत ने ऐलान किया इन्ना नहनु व इन्ना लहू लहा बेशक इस जिक्र को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत भी हम फरमाने वाले ये हिफाजत का जिम्मा खत्म नबूवत की दलील है क्योंकि अब कोई किताब नहीं आएगी कोई शहिफा नहीं आएगा कोई वही नबूवत नाजल नहीं होगी अब हुजूर की ज़ाते कदस पर वही नबूवत का इख्ताम हो गया अब कोई कहे कि हुजूर की ज़दस के बाद वही नबूवत का दरवाजा खुला है और वही नबूत आती रहेगी वो काफिर मुर्ताद है। उसके इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं ये खत में नबूत है नबी पाक तो तो की पर ने दीन को मुकम्मल कर दिया कयामत की सुबह तक इंसानियत को रहनमाई की जितनी जरूरत है अल्लाह ने वो सारी इंसानों की जरूरतें अपने हबीब पर पूरी फरमा दी निजाम मुकम्मल शरीयत मुकम्मल किताब महफूज जैसे अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा ले लिया और हजूर की सीरत भी सबसे आला खुलक दिया तो खुल के अजीम अता फरमाया सरत भी आला और सूरत फरमाइए तो भी सबसे अरफा वाला अता फरमाया और फिर सूरत की आयत नंबर चालीस में अल्लाह रब्बुल अल्लाब्जत ने इबारत नस कुरान मजीद की इबारत नस से हजूर की ख़त्म नबूत का बयान फ़रमाया मा का अबा फरमायादूल वकान अल्लाह भी कुल्ली अलीमा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं वला कि रसूल अल्लाह और लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं व खातमन नबीन और आखिरी नबी हैं खातमन नबीन आखिरी नबी नबियों के पिछले नबियों के बाद में आखिर में आने वाले हुजूर आखिरी नबी और कुरान मजीद की इस आयत के अंदर खातमन नबीन हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत में नबूत का जिक्र हुआ नबी करीमा सलात ने खातमी जीन का खुद माना बयान फरमाया, अना फरमायाबी ला नबी आबादी सब बोल दें ला नबिया मैं खातमनबी जीन हूं इसका माना हजूर ने खुद कर दिया ला नबी आबादी मेरे बाद कोई नबी मेरे बाद कोई नबी नहीं ना हकीकी ना मजाजी ना जिल्ली ना बरूजी ना जाती ना अताई ला नबी बात मेरे बाद कोई नबी कोई नबी मेरे बाद पैदा नहीं होगा नबी पाक सलासलम ने इस आयत का यही माना किया सहाबा ने इस आयत का यही माना समझा ताबई ने सहाबा से यही समझा तबा ताबई ने यही समझा उम्मत के आइमा फुका मुहदसन मा अलिया मर्दो जन पीर जवान उम्मत का हर हर फर्द जो मुसलमान सैदा वो ये अकीदा रखता है कि खातमनबीन का माना आखिरी नबी बोलिए क्या माना है आखिर खातमनबीन का माना है आखिरी नबी लेकिन कादियानियों ने तो कार्रवाई करनी करनी थी कादियानियों के रस्सागिर कादियानियों के लिए नरम गोशा पैदा करने वाले कादियानियों के खिलाफ मुसलमानों का मुकदमा कमजोर करने वाले और मुसलमानों को तशवीश का शिकार करने वाले नाम ने किताबी वो कहते हैं आपके उलमा इस आयत का आखिरी नबी माना गलत करते हैं या वो नाम नेहादिली किताबी ने कहा है कि आपके इस आयत का माना गलत करते हैं कि आखिरी नबी आखिरी नबी वाला माना उसने गलत करार दिया जबकि उम्मत का यह इजमाई अकीदा है और जहां तक कुछ के इश्काल की बात है यह बात समझ लें कि लफ्ज खातम ताके जबर के साथ अरबी जबान के अंदर इसका माना होता है अंगूठी ए, इसका माना मोर सॉरी क्या माना होता है मोर इसका माना है खातम का मोहर लेकर यह बात याद रखें कि जब लफ्ज खातम किसी कौम या जमात की तरफ उसकी इजाफत हो कौम या जमात की तरफ इजाफत हो तो वहां खातम का माना होता है आखिरी जैसे कहते हैं खातमुल कौम खातमुल जमाती अब ये नहीं माना होगा कि जमात की मोर कौम की मोर माना माना होगा कौम का आखिरी जमात का यहां खातम की इजाफत अन की तरफ है वला व खातम खातम की इजाफत की तरफ माना यह है कि हजूर नबियों के आखिर में आने वाले उम्मत के आइमा उम्मत के मुहदसिन उम्मत के फुकहा ने बकायदा इस पर तस््रियात फरमाई इमाम काजी याज माल की रमतल आ अशिफा शरीफ के अंदर जिक्र फरमाते हैं शिफा शरीफ जिल्द नंबर दो सफर नंबर दो सौ अठहत्तर पर वह आज मतिल उम्मत अला हमल हाजल कलाम अला ज़ाहिर उम्मत इस बात पर उम्मत का इजमा है कि यह कलाम अपने जाहिर पर महमूल होगा और इसका वही मफहूम लिया जाएगा जो इसके जाहिर से साबित होता है दू ना तावीलिन वला इन कोई तावील कोई तकसीस नहीं करेंगे फला शक्का फी कु हा उलायफ कुल्ले हा कतम सम और जो इस आयत आयत खत्म नबूत को पढ़ के इसके अंदर किसी किस्म की कोई तावील करे कोई तकसीस करे तावील करने की कोशिश करे कहीं खातमन नबी का माना माना यह है कि वह नबियों में सबसे अफजल है आखिरी नबी नहीं है तो उसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक हो सकता नहीं। हुजूर सब नबियों से अफजल हैं लेकिन खातम खातमनबीन वाली आयत का माना है आखिरी नबी क्या माना है आखरी आप देखें ना कितना वो धोखा देने की कोशिश दे करते कहते देखिए हमने तो खातम खातमन्नबीन का माना क्या सब नबियों से अफजल सब नबियों से रुतबे में आला तो हम तो हुजूर की फजीलत बयान कर रहे हैं लेकिन दर पर्दा उनका मकसद क्या है मकसद यह है कि ये जो आयत खत्म नबूवत हुजूर के आखिरी नबी होने पर इबार तो नस से हुजूर की खतम नबूत को बयान कर रही है वो अकीदा मशकूक बनाया जाए और इस आड़ में कि हम तो हुजूर को सब नबियों से अफजल मानते हैं खत्म नबूत का अकीदा माना आखिरी नबी वाला इनकार करके उसके अंदर रखना डालने की कोशिश की जाए लेकिन उम्मत का यह अजमायी फैसला है कि नबी पाकम की खतम नबूत का माना यह है कि हजूर सबसे आखिर में तरीफ लादी याद मालिकी रम लिखा फला ऐसा हर गुरो ऐसा हर फिर जो इस आयत के अंदर कोई तावीलो तकसीस करे उसके काफिल मरतद होने में कोई शक हो सकता तो आयत खत मेंबी पाकाम के आखिरी नबी होने पर कतई है कुरान मजीद की सैकड़ों आयात इबारत इशारतस दलालसस इकतज़ा से, हुजूर की ख़त्म में नबूत को बयान करती हैं और फिर नबी पाक सल्ला वसलम की वाज़े और श्री अहादीस हुजूर ने तमशीदा मिसालें दे, दे के उम्मत को ये अकीदा समझाया कि मैं सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाला हूँ सही बुखारी की पहली जल सफा पाँच सौ एक पे हदीस है नबी पाक सदीसूर फरमाते हैं इन अम्बिया मिन कबली मास बना बैतन फ इल्ला हुआ लबनत मिन तावियत मेरी और दीगर अंबिया की मिसाल जो मुझसे पहले गुजर गए उस शख्स की तरह है बना तन, जिसने एक घर बनाया फ आशसाना हुआ अजमलाहू बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा और बड़ा हसीन घर बनाया इल्ला मौद लबनत मिन जावियतन मगर उसके एक कोने पर एक ईंट बाकी थी फूय नबू लोग आके उस घर को देखते और उसके इर्द गिर्द फिरते और बड़े हल्ला लब ना तो ये इतना आलिशान हसीनो जमील घर बनाया लेकिन ये कोने पर एक ईंट की जगह क्यों खाली छोड़ी गई काला अनन लब तो हजूर ने फरमाया वो नबूवत के महल की आखिरी ईंट मैं हूं काला अनल लब तो जूर फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं हूं यानी मेरे आने पर नबूवत का वो महल कंप्लीट मुकम्मल हो चुका अब किसी और के आने की गुंजाइश बाकी कितनी खूबसूरत मिसाल है कितनी प्यारी मिसाल है अब इन वाज हजूर के फरमदात के बाद भी कोई यह कहे कि नाउज बिल्ला नबी आने की जरूरत बाकी है अभी मोहताजी बाकी है जरूरत बाकी है अल्लाह ने सारी जरूरतें हजूर पर पूरी फरमा दी नाउज बिल्ला जो ये कहे कि जरूरत बाकी है तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि हुजूर की तालीमत में कोई कमी है बिल्ला नबी पाक पाकम की शरीयत में बिल्ला कोई कमी है या बिल्ला हुजूर की किताब के अंदर कोई कमी चीजें रह गई जबकि कुरान का था योमल तो दीन मुकम्मल हो गया और हुजूर के आने पर नबूवत का महाल मुकम्मल हो गया कंप्लीट हो गया अब किसी और के आने की गुंजाइश ही बाकी नहीं और सही बुखारी के अंदर पहली सफा चार सौ इक्यानवे पे हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया कानत बनू फरमायान तसूस बनी इसराइल के अंबिया सियासत फरमाया करते थे उमूर रियासत की तदबीर और रियासत का निजाम चलाते थे सियासत फरमाया करते थे कुल लमा हला का नबी युन नबी जब एक नबी दुनिया से विशाल कर जाते उनके बाद दूसरा नबी आ जाता इलाहू ला नबी आबादी व यकून खुलफा हजूर फरमाते हैं मेरे बाद खलीफा होंगे खुलफा होंगे लेकिन मैं आखिर में आया हूं मेरे बाद को नबी नहीं आ सकता अन्ना ला नबी आबादी ला नबी आबादी मेरे बाल को नबी ला हुजूर की जाते अकदस के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता न जाती न अताई न हकीकी न मजाजी न जिल्ली न बरूजी जिस तरह भी वो चोर दरवाजा निकालने की कोशिश करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने ऐलान करके बता दिया कि मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता सही मुस्लिम जल दो सफा नंबर दो सौ अठहत्तर पर हदीस है सहीदना मौला शेर खुदा करम तज करीम को नबी पाक सल्हुआ वसलम ने जंग तबुक पर तशरीफ ले जाते हुए अपने पीछे बच्चों और औरतों पर सरपरस बना के छोड़ा सईद नाम मौला जंगों के अंदर लड़ने वाले जंगजू बहादुर शख्सियत है जंग तबुक पर जब हजूर ना लेके गए तो अर्ज किया आप मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हैं बच्चों पर और और औरतों पर यानी मुझे साथ जाने का मेरा मन चाहता है तो पाक या उस्राथ 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 जाओ जो हारून अलम ने मैं अली साथ थी किसी को शाकोस आता था मूसा भी अल्लाह के नबी थे रसूल थे हारून अल्साम भी तो यहां कोई गड़बड़ ना कर जाता हुजूर ने दरवाजा बंद कर दिया फरमाया कहीं ये सोचना बैठना मेरे बाद मेरे बाद बाद कोई नबी नहीं। अली तुम मदीना में जब तक मैं तबूक पे जा रहा हूँ और की सरपरस्ती करोगे तुझे मेरे साथ वो नस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा के साथ ही जैसे मूसा को है तूर पे जाते वक्त पीछे अपने हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ गए आज मैं तबूक पे जाते हुए तुझे मदीना में अपना पीछे अपना नायब बना के जा रहा हूं जुजी ना नियाबत जुजी मुकैत के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल सल्लासम ने इस बात की नफी कर दी कि मेरे बाद को नबी पैदा नहीं होगा सही मुस्लिम की पहली जलसभा एक सौ निन्यानवे पे वन डबल नाइन पे हदीस रसूल सल्हुसमा फरमाते हैं अल अंबिया अल्लाह ने मुझे नबियों पर छे फजील अता फरमाई नबियों पर छह फजीलतें ऊती तू जवा अल कलिम मुझे जाम कलिमात अता किए गए यानी मैं कलिमात थोड़े बोलता हूं और उनका मफहूम ज्यादा निकलता है जाम वनुर तु बिरोब और मेरी रोब के साथ मदद की गई यानी दीगर हदीस की रोशनी में दुश्मन अभी एक महीने की दूरी और मसाफत पर हो अल्लाह ने मेरा रोब दुश्मन के दिल के अंदर डाल दिया व ओहिलत लियल गनाइम इम और अल्लाह ने मेरे लिए जंग के दौरान जो माल मिलता है वो गनीमतें हलाल कर दी व जो इलत लियल अर्द तहूर व मस्जिदा और मेरे लिए सारी ज़मीन को पाक भी कर दिया गया और मस्जिद भी बना दिया गया सिल तु इल खल की काफ और मुझे तमाम मखलूक के लिए रसूल बना के भेजा गया वह खूतीमा बैनबीन और मुझ पर नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया आ, या रसूल या रसूल और ये एक अहादीस का बहुत बड़ा जखीरा है जमा किया अहदीस को रिवायात को आसार को और फिर फजाइल सीरत हदीस की किताबों से सैकड़ों अहदीस इस पर मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि आलि वसल्लम ने अपने में नबूवत का यानी आखिरी नबी होने का सराहतन अल्फाज और कलिमात के अंदर हुजूर ने इरशाद फरमा के अपनी उम्मत के सामने बयान फरमा दिया अलबत्ता नबी करीम सलि वा ने अपनी उम्मत के अंदर कुछ लोगों की निशानदही फरमाई कि मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग आएंगे ऐसे लोग आएंगे जरा समझें नाऊल बिल्ला नाऊल बिल्ला अगर हुजूर के बाद कोई नबी पैदा होना होता अल्लाह के नबी असलातम ने तो बड़ी से लेकर छोटी निशानियां हुजूर ने सारी क्यामत तक होने वाली अपनी उम्मत के सामने बयान फरमा दी ईसा क्यामत के करीब उनका आसमानों से नजूर होगा अहदीस मतवा इस पर मौजूद है अहदीस मुतवा मौजूद है लेकिन अगर कोई नबी पैदा होना होता कुरान की कोई आयत हजूर की कोई हदीस कोई इस हवाले से नहीं मिलती हाँ ये अहदीस और कुरान की याद मिल रही कि हजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा हाँ इस सिलसिला में बाज बाजीस वो मिलती हैं कि लोग ऐसे पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे नबूवत का करेंगे। और उनका टाइटल क्या है सुन नौत की जिल्द नंबर दो सफा नंबर दो सौ चौंतीस पे हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकली उम्मीती अन करीब मेरी उम्मत के अंदर होंगे तीस जूठे कज्जाब अन्नहु नबी अना खाताबीन ला नबी अबादी उन तीस के तीस में से हर एक ये कहेगा कि वो अल्लाह का नबी है अना खाता मुन्नबीन ला नबी अबादी मैं खातमु खातमनबी इन मेरे बाद को नबी पैदा नहीं हो सकता हजूर के बाद को नबी पैदा तो ये जो आएंगे कहेंगे कि नबी है वह मुसलमा कज्जाब हो असद अंसी हो और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी हो या इस तरह के कई और लोग जो नबोवत का दावा करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्हु वसल्लम ने ख़बर दी है इस बात की कि आएंगे ज़रूर लेकिन ये सारे के सारे झूठे कजाब होंगे दज्जाल होंगे ये सारे झूठे हैं मैं ख़ाताबी जी मेरे बाल को नबी पैदा नहीं हो सकता अहदीस का एक बहुत बड़ा जखीरा है और ये बात याद रखें अल्लाह के रसूल वसल्लम जो हुजूर खबर देते हैं मेरे आका की हर खबर सच्ची है हर खबर सच्ची है मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा कर दिया यह लाहौर से तकरीबन सत्तर मील के फासले पर एक कस्बा हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है जिसका नाम है कादियान कादियान के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूत का ऐलान किया और उसकी किताब रूहानी खजानदन मौजूदा कहता है कि सच्चा खुदा वो है जिसने कादान में अपना रसूल भेजा नौजबिल्ला पहले मम होने का मुहदस होने का दावा किया करते करते फिर ऐलानिया तौर पर यह कह दिया कि सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा नौजबिला नबूत का दावा कर दिया ने उसकी किताबों से उसके बयान से उसके झूठ निकाले उसके झूठ निकाल उसका एक एक झूठ एक्सपोज किया और उसके झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि झूठा शख्स तो साले मोमिन नहीं हो सकता नबी कैसे हो सकता झूठा शख्स तो एक साले मोमिन नहीं हो सकता क्योंकि झूठा होना मुनाफिक मुनाफिक की निशानी और मुनाफकत की दलील है मिर्जा कादयानी के इतने झूठ ओल ने पकड़े एक एक झूठ बताता है कि ये कज़ाब दज्जाल आज़म है नबी होना तो दूर की बात है ये तो मुसलमान भी कहलाने का हकदार नहीं बहुत सारे झूठ मा ने उसके एक्सपोज किए उसके पकड़े मैं चंद बातें आपके सामने हवाला के तौर पर उसकी किताबों के रेफरेंसेस से दे के मैं पेश कर देता हूँ ये असल मैंने एक कोर्स करवाया था तकरीबन कोई आठ नौ साल पहले लाहौर में टाउनशिप सॉरी जहो टाउन तो ये उसके नोट्स हमने फिर जमा कर लिए जो मैंने वहाँ कोर्स पाँच रोज़ा का रद्द काद कोर्स करवाया था तो ये सारे अलहमदिल्ला मैंने हवाला जात अपनी किताबों से यहाँ जमा किए हैं मिर्जा गुलाम कादयानी उसकी किताबों का मजमु है रूहानी खजान जिल्द नंबर तीन सफा नंबर 140 पर मौजूद है वो कहता है कि और मैंने कहा कि तीन शहरों का नाम एजाज के साथ कुरान शरीफ में दर्ज किया गया है मक्का मदीना और कादियान कहता है कि तीन शहरों का नाम बड़े एजाज और इज्जत के साथ कुरान के अंदर जिक्र किया गया मक्का शरीफ मदीना शरीफ और तीसरा नाम किस कर दिया कादियान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान मजीद मौजूद और जबानों पर जारी है लेकर वन्नाज तक पूरा कुरान पढ़ दें कहीं निस्ट कादियान का जिक्र मौजूद है ये बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी बात है मिर्जा गुलाम कादियानी के झूठा कजाब दज्जाल होने की एक इतनी दलीली बड़ी है कि वो कहता कुरान के अंदर कादियान का नाम जिक्र मौजूद है जबकि कादियान का लफ्ज कुरान के अंदर मौजूद है नहीं रूहानी गजैन के जिल्द नंबर छह सफा नंबर तीन सौ सैंतीस पर मिर्जा कादानी ने लिखा उसमें मौजूद है कहता कि सही बुखारी की वो हदीसें जिनमें आखिरी जमाना में बाद खलीफों की नस्बत खबर दी गई है कि खास करदा खलीफा जिसकी नस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से इसकी नस्बत आवाज़ आएगी हाजा हाँ अब सोचो ये हदीस किस पाए और मरतबे की है जो ऐसी किताब में दर्ज है जो असह उलकुतुबाद किताबल्ला है यह जो अल्फाजन हाजा खलीफत मदी कहता है यह सही बुखारी के अंदर मौजूद है जबकि सही बुखारी अव्वल से लेकर आखिर तक आप पढ़ जाए ये कलिमात सही बुखारी के अंदर मौजूद नहीं ये मिर्जा गुलाम कादनी का, का जूठ और दजल है और इसके जूठा और दज्जाल होने के लिए इतनी बाधी काफी है ऐसा शख्स वो मोमिन साले नहीं हो सकता वो अल्लाह का नबी कहलाने का हकदार कैसे हो सकता है बहुत सारे दलाल मिर्जा गुलाम कादनी के झूठा होने के बाद बाज मोटी मोटी मिसालें और मोटे मोटे ऐसे दलाल और बड़ी मोटी मोटी निशानियाँ मौजूद हैं कि मिर्जा गुलाम कादनी दज्जाल और कजाब झूठा और था हर मुसलमान मोमिन जानता है कुरान सुन्नत की रोशनी में कि तमाम अंबिया अलि तो तस्लीमत के पास वही लेके आने वाले फरिश्ते जनाब जबरील अलैहिस्सलाम सही ना जबरील अमीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम तक सब नबियों पे के पास आदरत अलैहिस्सलाम वही लेके आए मिर्ज़ा गुलाम कादयानी से किसी ने पूछा कि मिर्ज़ा साहब ये बताएं कि आपके पास जो वही लेके आता है फरिश्ता जिसको कहते हो तो उसका नाम क्या है मिर्जा गुलाम कादानी कहता है रूहानी खजान की 22 सीन सौ 340 पर कहता है उसका नाम है टीची टीची आंसर मेरी बात नहीं है लेकिन जरा हवाला तो मैं बताना पड़ता है मिर्जा गुलाम कादनी के पास जो शैतानी इलामात आते थे वो लेके आता था टीची टीची ठीक है ना और ये जो नाम ने हाथ फरिश्ता वो टीची टीची और इसकी मां का नाम था कसीटी भाई आंसर नहीं। मस्जिद के अंदर क्या कहानी नहीं लगाना छोटा मिर्जा तो इससे आगे निकल गया है जूठो में जूठो में तो है सेंचुरी है तो पता नहीं कितना कुछ यकीन करें अला वजह बसीरत मैं कह रहा हूं अला वजह बसीरत जितने मिर्जा गुलाम कादैनी के झूठ उलमा ने पकड़े हैं ना इससे ज्यादा इसके हो चुके हैं मिर्जा गुलाम कादैनी से ज्यादा जूठे इसके हो चुके हैं एक जगह पे कोई बात दूसरी जगह पे कोई एक जगह पे कुछ कहता है दूसरी जगह पे कुछ कहता है फिर फौरन पैंतरा बदल जाता है ये मिर्जा गुलाम कादनी का तरीका तरीकाकार था सफेद तो फरिश्ता कौन सा आता है इसके पास शैतानी लामात लेके जो जिसको ये फरिश्ता कहता है उसका नाम कहता है टीची टीची और जनाबे तमाम अंबिया के पास जनाबे जबरीलम वही लेके आए कुरान मजीद में अल्लाह अल्लाहत ने अंबिया अलबात तो तस्लीमात की वही के हवाले से जिक्र फरमायासूलानी कौमी और हमने जो भी रसूल भेजा उनकी कौम की जबान के साथ बेचा यानी कौम की जो जबान होती थी उसी जबान उसी लैंग्वेज में नबी आते रसूल तशरीफ लाते और उसी में वही नाजिल होती थी यह कुरान कह रहा है मिर्ज़ा ग़ुल कादनी की जो रूहानी खजान देख लें उसकी जो किताब है तजकरा जिसको वो अपनी वही का मजमु कहता है जो शैतानी इलाहाम उसने जमा किए हुए हैं उस किताब के अंदर उसके अंदर जो उसकी शैतानी वही है पंजाबी के अंदर भी है उर्दू के अंदर भी है संस्कृत जबान के अंदर भी कहता मुझे आती है के हिंदी जबान के अंदर भी हती के अंग्रेजी जबान के अंदर भी अंग्रेजी और कहता मुझे कि मुझे अल्लाह ने वही किया कि आई लव यू तो इस तरह की बहुत सारी समझने के एक खुराफात का सिलसिला है मिर्जा कादनी की किताबों के अंदर जोश जो के जूठा दज्जाल और कजाब होने की वाज निशानियाँ और अलामत हैं और अलहमदिल्ला अहल ईमान का अकीदा पक्का और मजबूत है कि हमारे आका की कदस वो हैं जो खा तमनबीन हैं हजूर के बाद को नबी पैदा नहीं हो सकता जिनकी तालीमत में शरीय में दीन में सीरत में तालीमत में कोई कमी मौजूद सारी चीज़ें अल्लाह ने हजूर की ज़ा अकदस पर पूरी फरमा दी कादयानी जब दरायल के मैदान में बेबस हो जाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में फिर वो लोगों के सामने बाज अकली टकोसरे चला के गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कई ऐसे जो फिर बहक भी जाते हैं जिनको ज्यादा गुमांड गुमान होता है ना लॉजिक के ऊपर वो फिर ऐसे लोगों के हथी चढ़ जाते हैं वो कहते हैं देखें नबूत तो रहमत है तो जो करें नबूवत तो रहमत है और रहमत की मखलूक को हर दौर में जरूरत है हर जमाने में जरूरत है हर दौर में जरूरत है आप मुसलमान यह कहते हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया गोया कि आप ये कह रहे हैं कि आप मखलूक रहमत से महरूम हो गई आपने तो मखलूक को अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जबकि उन अहमकों को यह पता नहीं कि हम कब ये कहते हैं कि रहमत खत्म हो गई हम तो उस आका का कलिमा पढ़ने वाले हैं जो रहमत है।, है बिला तशबी मिसाल समझाने के लिए भाई कभी पानी की जरूरत पैदा हो पानी तलब करना हो तो कभी हम टूटी से पानी लेते हैं कभी नल से कभी चश्मे से कभी खाले से कभी नहर के किनारे और कभी समंदर के किनारे बंदा खड़ा हो जाता है जो समंदर के किनारे खड़ा हो उसे फिर बाकी चीजों की हाजत रोशनी हासिल करनी हो तो कभी चराग जलाया जाता है कभी बल्ब जलाते हैं कभी ट्यूबलाइट जलाते हैं कभी ड्राड लगा लेते हैं कभी बड़ा फनूस लगा लेते हैं लेकिन यह रोशनी तब चाहिए होती है जब दोपहर का सूरज ना चमक रहा हो और जब बिल्कुल दोपहर का आफताब पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो तो फिर बल्बों की ट्यूबलाइट की जरूरत है? हमारे आका तो नबूवत का वो सिराज मुनीर बन सिराज आए हैं हुजूर की पर अल्लाह ने सारी जरूरतें पूरी कर दी हैं। अब किसी और के आने की जरूरत बाकी तो हुजूर के बाद जितनी रोशनी जिसको मिलेगी मेरे मुस्तफ़ा के वसीले से मिलेगी हुजूर के जरिए से मिलेगी और सरकार की शान तो ये है नबी पाक्रम की ले ले ने हैं के नेमत चाहे छोटी हो या बड़ी दीनी हो या दुनिया रूहानी हो या जिसमानी जहरी ओ बातनी रोजे अव्वल से लेकर अब तक जिन हो या मलिक इंसान हो हैवान फरमाते हैं जिससे जो मिला है जो मिल रहा है जो मिलेगा सब मेरे मुस्तफा का सदका मिल रहा बुलंदबाज से कहें सुबह सबको इमाम फरमाते हैं नेमत चाहे छोटी हो या बड़ी दीनी हो या दुनियावी रूहानी हो या जिस्मानी, जाहरी हो या बातनी जिन हो या इंसान मलिकों ये हैवान जिसे जो मिला जो मिल रहा है जो मिलेगा सब मेरे मुस्तफा का सदका मिल रहा है कुरान सुन्नत की रोशनी में कादयानी कुफारो मुरतद्दीन हैं उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं शरीयत के फतवे की रूह से तो कादियानी काफिर मुर्तद ही है थे और हैं लेकिन हमारे मुल्क ने बाकायदा यह कानून और पार्लियामेंट के अंदर यह करारदाद पेश होके कानून बन गया आयन बन गया उन्नीस सौ चौहत्तर के आयन के अंदर कादियानियों को चाहे वो लाहौरी ग्रुप हो या रब्बा ग्रुप हो आयनी और कानूनी तौर पर काफी डिक्लेयर कर दिया गया कि ये लाख मरतबा करोड़ा मरतबा क़लिमा पढ़े अपने आप को मुसलमान कहें इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं फिर कानून बन गया मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पर कि चूँकि कादियानी ये कुफार हैं इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं ये अब अपने आप को मुसलमान नहीं पाकिस्तान में कह सकते इस्लाम का दावा नहीं कर सकते इस्लाम के जितने शायर हैं जितनी इस्लाम की जो शायर हैं उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते अपने उठने बैठने को नमाज नहीं कह सकते और अपने जितने मामलाते हैं उनके लिए इस्लाम की टर्म्स और अतलाहत इस्तेमाल नहीं कर सकते बाद लिबरल किस्म के लोग इस्लाम बेजार और उलमा और मुसलमानों के अंदरून खाते मुखालिफ और दुश्मन वो हमारे बाद नौजवानों के जेनों को खराब करने की कोशिश करते देखिए ये तो बड़ा ज्यादा है तो बड़ा जुल्म है एक बंदा अपने आप को मुसलमान कह रहा है तो उसे कहने दे एक बंदा अपने उठने बैठने को नमाज कहता अपनी इबाद को कोई मस्जिद कहता कहने दे भाई क्यों कहने दे क्यों कहने दे कौन सी कौम कौन सा मुल्क कौन सी फैक्ट्री कौन सी फर्म कौन सी मिल कौन सा कारखाना इस बात की इजाजत देता है मिसाल के तौर पर फर्ज करें एक फैक्ट्री के अंदर एक फर्म के अंदर सौ बंदे काम करते उसमें से दस बंदे निकल गए और निकल के जाके अपना अलग कारखाना बना लिया अलग फर्म बना ली और अलग जाके बना के फिर अब ये कहें कि वो जो पिछली फैक्ट्री है पिछला कारखाना है वही नाम हम इसके लिए इस्तेमाल करें वही लोगो वही ट्रेडमार्क वही सिंबल हम इसके लिए इस्तेमाल करें दुनिया का कोई कानून इसकी इजाजत देता है नहीं, नहीं। तो इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई खत्म नबूवत का इनकार करे नबी पाकम के आखिरी नबी होने का मुनकिर हो और फिर अपने आप को कहे कि मुसलमान है इस्लाम में इसकी इजाजत देता बल्कि उठाएं बुखारी मुस्लिम की अदीस मौजूद है खत्म नबूवत का अकीदा तो दो इस्लाम का बेस बुनियादी मरकजी अकीदा है जरूरियात दीन का अकीदा है सईद नबू बकरीक रजी अल्लाह दौरे खिलाफत के अंदर वो लोग जो कलमा बजहर पढ़ते थे लेकिन उन्होंने कहा कि हम जक़ात नहीं देंगे सही बुखारी उठाएं 6924 और 6925 नंबर हदीस निकालें। अबू बकर सदीक ने फरमाया, फरमायाबाही लन्ना मन फर्रा बैन बेन सलाते जक़ात फरमाया अबू बकर अपनी तलवार के साथ उनके साथ किताल करेगा जिन्होंने नमाज और जक़ात के अंदर फर्क किया जिस तरह नमाज फर्ज है इसी तरह जक़ात देना भी फर्ज इजमा इत्तेफाक हुआ सहाबा ने तलवारें लेके उनके साथ कताल किया हालांकि मदीना के अंदर उस वक्त ईसाई भी मौजूद थे यहूदी भी मौजूद थे उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई क्योंकि ज़िम्मी बन के रह रहे थे देशा, 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 देशा। वो खालस यहूदी ईसाई थे देशा, देशा, देशा। और सबके सामने क्लियर था कि यहूदी ईसाई हैं और बल्कि मुसलमानों ने उनको तहफुज दिया क्योंकि मुसलमानों के मुती हो गए फर्मा बरदार होकर रह रहे थे मुसागिरून सूरत आ की आयत है देशा, 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 देशा कि जो जिजिया दें और जलील और रवा होकर रहें उनको रहने की इजाज़त दी गई है लेकिन ईसाईयों यहूदियों के बर खिलाफ जो लोग क़लिमा दावा करते थे और जक़ात की फर्जियत के मुनकर थे सहाबन तलवारें लेके उनके साथ किताल किया उनके खिलाफ जिहाद किया और बता दिया कि इस्लाम का नाम लेके जो ज़रूरियात दीन का इनकार करे फिर उसके साथ मुसलमान ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे कि जो यहूदियों ईसाइयों के साथ भी नहीं किया जाता बल्कि इस्लाम का कानून उनके लिए अलग है वो मतद्दीन है उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है अल्लाह इज्जत में अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर अपना यकीन मुहकम और कामिल रखने की इस पर अल्लाह तौफीक और हमें अता फरमाए और कादियानियों के उठाए हुए हर शुबे और हर बातिल इतराज़ का अल्लाह रबुज़त हमें जवाब देने और अपने मुसलमान भाइयों के अकीदों की, की हिफाजत करने के अल्लाह रब रबत में तोफ़ी अदाह फ़रमाएँ